दोस्तों, अगर आपने शॉपसी से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है, अब आप उस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट मेरा कहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और आप डिलीवरी बॉय से विद प्रूफ यहाँ पे मैं बात करके दिखाऊंगा शॉपसी, ठीक है, शॉपसी से जो ऑर्डर आता है, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट से अटैच है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं शॉपसी एप्लीकेशन से। अगर आप जानना चाहते हैं शॉपसी एप्लीकेशन से अर्निंग कैसे की जाती है तो आपको नीचे कमेंट करनी होगी, मैं वहाँ पर आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपनी शॉपसी ऐप पर इस तरीके से क्लिक करना होगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि अभी मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेड अर्निंग, ठीक है, और यहाँ मिला ऑर्डर का, ठीक है। तो ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये देखो खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो भी ऑर्डर होगा, जैसे कि हमारा ये देखो ऊपर की तरफ ये वाला ऑर्डर हमारा लगा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ऑर्डर इस तरीके से शो हो गया है, ठीक है। तो इसे हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा, ठीक है। वेट कब करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही आपको यहाँ पे इस तरीके से नंबर दे दी जाएगा, डिलीवरी होएगा और यहां पे एक कोड दे दी जाएगा, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस तरीके से कॉल करनी है, जैसे कि मैं इस तरीके से आ चुका हूं, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा और कहूंगा कि भैया कहां पे हमारा प्रोडक्ट आ गया है, तो चलिए यहां पे हम कॉल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, प्लीज वेट व्हाइल योर कॉल इज बीइंग कनेक्टेड, ठीक है, यहां पे कॉल कनेक्ट हो रही है हमारी, ये देख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम बात करेंगे अभी, हेलो, विमलेश कुमार बोल रहा हूँ, ठीक है भैया, फिर ठीक, ओके। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बात भी कर ली है और मैंने कह दिया है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी देर में कब तक आ जाएगा, ठीक है। मैंने वीडियो को स्किप यहाँ पे कट यू इसलिए कर दिया था क्योंकि एड्रेस हमारा यहाँ पे लीक हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूँ। इसी तरीके से आप भी अपनी शॉपसी से ऑर्डर आपने लगाया है इस तरीके से पता कर सकते हैं कहाँ पर हमारा डिलीवरी हो आ गया है। बस आपको याद रखना है कि आपने वहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो आउट फॉर डिलीवरी हो गया है कि नहीं हो गया। जब तक आउट फॉर डिलीवरी नहीं होगा तब तक आप ऑर्डर को नहीं देख पाएंगे कहाँ पे आ गया है, ठीक है। वैसे वहाँ पे पता चलता ही रहता है आपका ऑर्डर कहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप अदर नंबर से करेंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से नहीं करेंगे जो फ्लिपकार्ट पे शॉपसी पे रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे जो कोड दे दिया जाता है वो कोड आपको डालना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।